नमस्कार, विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं के कल के भाग में हम बात कर रहे थे एहसान संसमरण की। प्राण नेवीले का संसमरण था, जिसमें बात रही कि किस तरह से उनके परिवार को मुस्लिमों ने बचाया और इंसानियत का परिचय तो दिया ही, और ये भी एक बात आई कि आप इनको छोड़ दीजिए। प्राण नेवीले के पिताजी के लिए दंगाइयों में से किसी एक ने कहा कि आप इनको छोड़ दीजिए, इस शख्स का हमारे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। तो वो तो बात थी एहसान की। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज के संसमरण की, जिसका नाम है आस्था। आस्था संसमरण है रक्षतपुरी जी का। आइए शुरू करते हैं। रक्षतपुरी कहते हैं, मेरा जन्म 24 जनवरी 1924 को लाहौर के शाह आलमी गेट क्षेत्र में हुआ था। हमारा परिवार राधा स्वामी संप्रदाय में आस्था रखता था। हम किसी एक धर्म या मजहब के सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं थे। अमृतसर से कुछ दूरी पर स्थित ब्यास क्षेत्र में राधा स्वामी मिशन के मुखिया बाबा जी प्राय लाहौर आते रहते थे। उनके लगभग एक तिहाई श्रद्धालु मुस्लिम थे। उनके उपदेशों में कबीर, गुरु नानक, बुल्ले शाह और अन्य सूफी संतों की वाणी का बाहुल्य होता था। जब ब्यास के मुस्लिम श्रद्धालु विभाजन के समय पाकिस्तान भेजे गए तो उनसे विशेष रूप से ये कहा गया था कि वे अपना पूरा परिचय सबको न दें। राधा स्वामी मिशन को मूल रूप से एक गैर मुस्लिम संप्रदाय ही माना जाता था। बाबा जी नहीं चाहते थे कि उनके मिशन से जुड़े श्रद्धालुओं को दोनों तरफ से सिर्फ इस आधार पर संकट का सामना करना पड़े कि वह या तो हिंदू थे या मुसलमान। इस संदर्भ में एक और दिलचस्प प्रसंग हुसैनी ब्राह्मणों का है। मोहियाल ब्राह्मणों की अनेक उपजातियां दत्त, बाली, छिब्बर, वैद आदि को कई बार हुसैनी ब्राह्मण कह दिया जाता था। मोहियाल ब्राह्मणों के संबंध में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उनके कुछ पूर्वज अरब में जाकर बस गए थे। इनमें से एक रहाब सिद्ध दत्त और उनके बेटे करबला की लड़ाई 680 ईस्वी पूर्व में इमाम और हुसैन के पक्ष में जो लड़े थे, वे लोग उसी लड़ाई में हुसैन और उसके बेटों के साथ शहीद हो गए थे। उन्हीं परिवारों में से जो बचे थे वे पंजाब लौट आए। उन्हें काफी लंबी अवधि तक हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता रहा। ये लोग जातिगत रूप से हिंदू ब्राह्मण थे, मगर करबला की त्रासदी को यह पूरी तरह से आस्था के साथ मानते थे। विभाजन पूर्व काल में एक कहावत भी प्रसिद्ध थी, वहादत सुल्तान, हिंदू का धर्म, मुसलमान का ईमान, अद्धा हिंदू अद्धा मुसलमान। उस समय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सरोकार भी विलक्षण थे। टोबा टेकसिंग कस्बे में हर साल होने वाली रामलीला में एक प्रसिद्ध पाक लेखक मशकूर साबरी अपनी तरुणाई के दिनों में राम की भूमिका निभाते थे। पहले पहले 2 वर्ष तो कुछ हिंदुओं ने दबी जुबान में इस बात पर एतराज भी किया, क्योंकि रामलीला के मध्य कई बार स्थानीय लोग राम की पूजा करते थे। ऐसे अवसरों पर एक मुसलमान अभिनेता की पूजा उन्हें अखरती थी, लेकिन मशकूर साबरी का अभिनय इतना सशक्त होता था कि 2 वर्ष बाद इसी भूमिका के लिए उनकी पहले से ही तलाश होनी शुरू हो जाती थी। इस तथ्य की गवाहियां उस समय की पत्र पत्रिकाओं में और पुस्तकों में भी मिलती हैं। विभाजन के लगभग 1.5 दशक पहले लाहौर बिल्कुल अलग था। मेरा शहर लाहौर, इस पुस्तक जिसके लेखक यूनस अदीब हैं, में अनेक पृष्ठों पर इस तथ्य का उल्लेख है कि मुहर्रम के जुलूस पर हिंदुओं की पुष्प वर्षा व मिंटो पार्क के बादशाही मस्जिद के पीछे की रामलीला के प्रबंधों में मुसलमानों की शिरकत एक सहज बात मानी जाती थी। यूनस अदीब ने इस कृति में एक स्थान पर लाहौर के एक प्रमुख नेता लाला गणपत राय को भी याद किया है। यूनस लिखते हैं, लाला गणपत राय चूड़ीदार पाजामे, जैकेट और सिर पर काली नुकीली टोपी के कारण दूर से ही पहचाने जाते थे। सुबह सुबह अपने दफ्तर में जाते समय जब वह कूचा दर्जियां की मस्जिद के सामने से गुजरते तो सहज भाव से झुककर मस्जिद की सीढ़ियों को श्रद्धा पूर्वक छूते और फिर दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते। तो ये तो था अक्षतपुरी का संसमरण आस्था। इसके साथ ही आज का ये भाग समाप्त करते हैं और अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।